हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी क्लासेस। मैं रंजीत कुमार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए रहेगा और जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर जो जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसके पहले हम लोग पहला पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो फर्स्ट चैप्टर था, और ये मेरा सेकेंड पार्ट है। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, या तो किसी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप ऐसा करें, आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे इस वीडियो को जैसे ही पब्लिश किया जाता है उसके बाद वहां पे पीडीएफ भी पब्लिश कर दिया जाता है। तो आप इनको क्या कर रहे हैं, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है उनको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। किसी में भी ज्वाइन करके कहीं से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन पे। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और उसके बाद शेयर भी करना ना भूलिएगा। और जितना से जितना ज्यादा आप इस चैनल पर जुड़ेंगे उतना से ज्यादा आपको अच्छे कंटेंट मिलते जाएंगे। हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 0.25 का वर्गमूल होगा। तो सबसे पहले देखिए, वर्गमूल निकालने का दो विधि है। एक तो आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसका भाग विधि से। तो हम दोनों विधि आपको बता देते हैं कैसे आपको करनी है। तो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, दोनों ही विधियां बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी समझना है। भाग विधि थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा तो सारे बात समझ में आ जाएगा। जैसे कि 0.25 दिया है ना, आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0.25 दिया है। क्लियर? हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट जो है ना इसको हटाएंगे और एक लाइन देंगे और नीचे वन लिखेंगे। इस पॉइंट के बाद कितना अंक है, दो, तो दो जीरो कर देंगे। तो अब हमारा ये नंबर अगर देखा जाए तो क्या होगा, 25 बाय क्या हो गया, 100। क्लियर? अब 25 बाय 100 आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 का आप एलसीएम कीजिए। तो 5 टाइम्स में कटेगा, 5 5 जाए 25, तो आ गया 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5। क्लियर? अब दूसरा क्या कीजिए, जो 100 नीचे है ना, 100 का भी आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। 100 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 50 आएगा। फिर 2 से भाग कीजिएगा तो कितना होगा, 25 आएगा। फिर ऐसा कीजिए, 2 से भाग कीजिए, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 5 से कीजिए तो कितना होगा, 5 आएगा। तो आप 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 5। तो अब क्या कीजिए, इसका हम लोगों को क्या बोला, वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल में क्या क्या, पेयर में से एक, मतलब दो में से एक निकलता है, ऐसे करके वर्गमूल कर सकते हैं, दो में से एक। इसका भी दो कर दीजिए, इसका भी एक कर दीजिए। तो 2 5 था तो 1 5 निकलेगा, तो 25 का हम लोग का 5 आ गया। फिर यहाँ पे देखते, 2 में से 2 आ गया, फिर 5 2 5 में से 1 आ गया, तो बच्चा कितना, 5 2 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 10। तो नीचे कर दीजिए 10। अब क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो 0 पॉइंट क्या होगा, 5, क्योंकि एक अंक था 5, उसके बाद हम लोग पॉइंट बैठा दिए, तो 0.5 आ गया। तो एक तो आप गुणनखंड विधि से इस प्रकार से कर सकते हैं। अब दूसरा हम लोग भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से अगर आप यहाँ पे देखें, इसी को लेते हैं 0.25, आप ऐसे करके आप इनको बना सकते हैं। अब क्या करना, पीछे से आपको पेयर करना है, क्या करना, पेयर करना मतलब जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लगा दिए। अब देखिए, इधर तो कोई अंक नहीं है, 0 पॉइंट है, तो आप क्या करो, 0 पॉइंट पुट कर दो। अब देखिए 21 है ना, 21 हमारा कितने बार में कटेगा वो भी देखना है। यहाँ पे 0.25 जो है कितने बार में कटेगा, अगर हम लोग मान लीजिए कि 4 से कटाते हैं तो कितना होगा, 4 से अगर ऊपर 4 लिखते हैं तो नीचे भी 4 लिखना होगा, तो 4 × 4 कितना हो जाता है, 16। अगर 5 से कटाते हैं तो ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 लिखाना, 25 25, इतना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास, सॉरी 25 था ना, 25, तो यहाँ पे हम लोग को 25 भी चाहिए। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो 25 25 हो जाएगा, ये 25 कटा देना है क्योंकि ये वाला पॉइंट के बाद तो ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं 5 बार में कटा तो कैंसिल आउट, तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 5। तो ये वाला क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 0.5 जो आया, कौन सा आया, बी नंबर। क्लियर?
अब सिमिलरली अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी करेंगे ये भाग विधि द्वारा करेंगे, ताकि ज्यादा हम लोग को मतलब कि ज्यादा काम नहीं करना पड़े, शॉर्ट में निकल जाए। तो हम लोग भाग विधि से करेंगे। तो पहला नंबर का ऑप्शन कितना हो गया मेरा, सी आ गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं। पहला तो मेरा ये सही था, 31 × 36 मतलब 31 और 36 का निकालना है। तो आपको बताए थे कि इधर से आपको क्या करना है, पेयर करना है। इधर देखिए पेयर कर दिए, तो इधर आप देख सकते हैं कि नंबर हमारा क्या है, कितना 31 है। तो हम बताए थे ऊपर जितना लिखना है उतना नीचे ही लिखना है। तो ऊपर अगर 6 लिखेंगे, नीचे भी 6 लिखेंगे, 36 होगा। और यहाँ पे हमारा 35 है, 31 है, तो इससे ज्यादा हो जा रहा है तो नहीं लेना है। अब क्या करना है, 5 ऊपर लिखते हैं, नीचे भी 5 करेंगे तो 25, तो कम हो गया ना, कम ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 5 लिखे, नीचे भी 5 लिखे, तो कितना हो गया, 25 हो गया। अब सबट्रैक्ट करते हैं, एक में 5 तो जाएगा ना, इससे पहचान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 10 1 11 हो जाएगा। 11 में 5 जाएगा, कितना होगा, 6। तो इसके पास बच गया क्या, 3 के पास बच गया 2, क्योंकि 1 तो 35 को दिया, 2 में 2 जाएगा तो 0, तो इसको नहीं लिखना। अब यहाँ 5 बार में 5 से कटाए, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 5, क्लियर। अभी दोनों को जोड़ के लिखना, 5 दूना कितना हो गया, 10। गुना करके इधर लिखना है, गुना जो होगा यहाँ पे लिखना है, और जोड़ करके नीचे लिखना है। अब देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को पुट कर दीजिए, और एक साथ में जो वर्गमूल होता है उसमें 2 अंक उतरता है, जबकि हम लोग भाग करते तो 1 अंक उतारते हैं, ठीक है। अब देखिए 636, अब 10 में यहाँ पे जितना पुट कीजिएगा उतना नीचे ही पुट करना होगा। यहाँ पे 6 के तो नीचे भी 6 करना है, तो 6 6 के 36 और 6 को 1 से गुना, 636। अगर मान लीजिए हम लोग 5 से कटाते तो नहीं कटता, क्योंकि 25 25 1 125 जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, 525 आ रहा है, तो 636 से कम है। तो एक बार और लगा के देखे, 6 से कटाए तो 636 आ गया। आई मीन यहाँ पे आपको क्या करना, लिखना है 6, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा। तो ये 6 आप क्या करो, यहाँ पे भी लिख दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 पॉइंट कितना है, 6 आया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा, 5.6, क्लियर। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 121 का वर्गमूल निकालिए, 121 का, फिर उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 121 का वर्गमूल। तो हम आपको बताए थे क्या करना था, इधर से आपको पेयर करना है, जोड़ा लगाना है, ठीक है, जोड़ा लगाए। अब बचा कितना, 1। अब देखिए 1 को 1 से गुना करें, 1, 2 को 2 से गुना करते 4, मतलब 2 से करते ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1 से करना है, 1 से करेंगे 1 आएगा, ये कैंसल आउट। और यहाँ पे 1 ये लिख दो, और इन दोनों को जोड़ के नीचे हम बोले थे लिखने के लिए, नीचे लिख दो, और उसके बाद 2 अंक उतार दे एक बार में, तो 21 है। अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे नीचे भी 1 आएगा, तो 1 1 1 होगा, 1 को 2 से गुना करें 2 करेंगे, कट जाएगा। आई मीन यहाँ पे फिर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21 11, सॉरी कितना आ गया, 11। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 196 का आपको निकालना है, 196 है, तो इसको क्या करना है, फिर से पेयर करना है, इधर से जोड़ा लगाना पीछे से। तो यहाँ फिर बचा है 1, तो 1 1 से तो कट जाएगा, 1 1 गुना 1, यहाँ पे भी 1 लिख दो, कट गया। और ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दो, कितना हो जाएगा, 2। अब ये 96 निकालो। तो अब यहाँ पे देखो 2 है, अगर यहाँ पे 96 लाना है, अगर 6 करते हैं तो 6 6 के 36, 6 2 12, और 3 कितना हो गया, 12 3 15, 156 आ गया। तो ज्यादा हो गया ना, इतना नहीं लेना है। अगर मान लीजिए कि 4 रखेंगे तो कितना होगा, 4 6 16 4 2 8 1 9 96, मतलब कि 4 से अगर यहाँ पे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए और ये कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना, 14 टाइम्स में कट गया। तो आंसर क्या जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 196 का जो वर्गमूल कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखें। तो बोलता है 324 का वर्गमूल क्या होगा, फिर उसी तरह से करना, 324 की बात की है, इधर से पेयर करना है। अब यहाँ पे 3 है, तो 3 से नहीं कटा सकते हैं, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। अगर 2 से कटाएंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 1 से कटाएंगे, 1 × 1 आ जाएगा। तो अगर 1 से हम लोग कटाएंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, और 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 2, और यहाँ पे 1 पहले 1 लिखा था इसलिए 1। अब ये 2 अंक उतर जाएगा, 2 2 4। अब हम लोग को चाहिए 2 2 4 चाहिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे 4 कौन सा टेबल में आ जाएगा, अगर 6 का लेते तो 36 होगा, 4 का अगर लेंगे तो 16 होगा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो हम लोग को लगता है 8 कितना होगा, 8, यहाँ पे 8 लिखते हैं,
एट का टेबल में क्या होगा, 88 64, 8 9 16 और 6 कितना हो गया 22। तो अब देखते हैं इस कट जाएगा कितने बार में कटा, 8 बार में, और टोटल ये कितना हो गया 18। तो 324 का वर्गमूल क्या होगा 18। क्लियर। अब हम लोग को 900 का निकालना है, 900 का कितना होगा वर्गमूल, फिर इसी प्रकार से 900 का निकाल सकते हैं। इधर से आप पेयर करना है, एक बच गया 3, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9। ठीक है, एक कट गया, अभी दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना होगा 6, तो यहाँ पे 3। अब 2 0 आया, तो 0 को कटाने के लिए अगर 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 0, तो कितना आ गया यहाँ आंसर 13। तो आंसर नंबर क्या होगा बी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं वर्गमूल को बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए, 1764 का वर्गमूल होगा, फिर देखिए 1764 का वर्गमूल हम लोग को पूछा गया, तो फिर उसी प्रकार से आपको क्या करना, लाइन खींचनी है और यहाँ पे दोनों को पेयर करना है। तो यहाँ पे 70 है, 4 से कट जाएगा क्योंकि 4 6 कितना हो जाएगा 16, अगर 5 से कटाते तो कितना हो जाता 25 ज्यादा हो जाता, और 3 से कटाते तो कम हो जाता, ना तो कम ना तो ज्यादा लेना है, लगभग उसके नियर जाना, पूरा मतलब कि नजदीक आना है, इसलिए 4 से कटाए, 4 6 16 हो गया, 4 से कटाए तो यहाँ लिख दो 4। 7 में 6 जाएगा 1, 1 में 1 गया कट गया, 4 2 कितना हो गया 8। अब ये एक अंक एक साथ उतर जाएगा कितना 64। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 4 लाना है तो 2 का टेबल में 4 आएगा या तो 8 का टेबल में 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, तो 4 आ सकता है। तो अगर 8 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 88 गुना 8 करेंगे तो देखते हैं ना 8 गुना 16 24 मतलब बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 लेते हैं। अगर 2 से लेंगे तो कितना होगा 2 2 4 और 8 2 16 और कट जाएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना 42। तो आंसर मेरा ए नंबर आ गया 42। अब 4900 4900 का फिर वर्गमूल निकालना है, सिमिलरली इधर से पेयर करो। अब देखिए 7 का टेबल में आ जाएगा 7 7 49, तो यहाँ पे क्या कर लो 7 लिख दो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, अरे तो कट जाएगा। अब 2 0 है उतार दो, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 लाने के लिए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितना होगा 70 7 7 49। क्लियर, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 9th नंबर क्वेश्चन है, फिर देखते हैं उसी प्रकार से हम लोग को फिर वर्गमूल निकालने बोला है। तो अब क्या करो 77 और 44 लो और इसका फिर से वर्गमूल निकालते हैं, इधर से पेयर करो। तो 77 अगर हम लोग 6 6 बार में कटाएंगे तो 36 हो जाएगा, 7 बार में करेंगे अगर 7 बार में कटते हैं तो 49 हो जाता है, और 8 बार में करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 9 बार में करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मतलब कि 77 के नियरेस्ट कौन है सबसे ज्यादा 64, और ये तो सबसे ज्यादा हो जा रहा है, 64 77 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम लोग को 64 लेना है। तो 8 से कटाओ कितना होगा 88 64, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 8। अभी 7 में 4 जाएगा 3 और 7 में 6 जाएगा 1, और उसके बाद ये 2 अंक उतार दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 16। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1344 चाहिए था, लास्ट में 4 चाहिए, या तो 4 आने का 2 ही कंडीशन है, या तो 2 का टेबल में आएगा या तो 8 का टेबल में आएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर देख करके देखना है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो लास्ट में 4 आ सकता 8 या 2 का टेबल में। तो अगर 2 लेंगे, मान लीजिए 162 को 2 से करेंगे तो 2 2 4 16 2 32, 324 आया, लेकिन यहाँ पे 1344 चाहिए, इसलिए हम लोग को बड़ा नंबर सोचना होगा, तो क्या होगा 8 लेते हैं। 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 88 64 हो गया, 8 6 48 और 6 कितना हो गया 54, 5 और 8 5 कितना हो गया 13, आई मीन 8 बार में 88 बार में ये पूर्ण रूप से कट जाता है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा इसका वर्गमूल। क्लियर। अब 81 का अगर देखें, 8100 का अगर देखा जाए तो इसका फिर उसी तरह करना है, इधर से जोड़ा लगाना, इधर से करोगे तो ये 9 का टेबल में आ जाएगा, 9 9 81, तो यहाँ पे 9 लिख दो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9 2 18 हो गया। अब 2 0 आया, ये 0 को कटाना, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 90। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो जाएगा 90। क्लियर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है उन पे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 256 बाय
441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्या करना है, 256 का आपको सबसे पहले 256 का वर्गमूल निकालना है, फिर 441 का वर्गमूल निकालना है, उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। अब देखिए 256, इसको दोनों को पेयर करना है, तो यहाँ पे दो बचा, तो दो का टेबल नहीं एक का टेबल में कटेगा, वन तो दो में एक जाएगा एक, और एक 56 बच जाएगा, तो इधर दो हो गया। अब छह दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो चार का टेबल में या तो छह का टेबल में। अगर हम लोग छह का टेबल लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, चार का टेबल लेंगे तो शायद ये कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग दो और चार, चार चौ कितना हो गया 16, चार दो ना 8, एक 9 हो जाएगा, 96 आ गया। लेकिन 6 लेंगे तो कितना होगा, 6 4 36, 14 12 3 15, आई मीन 6 लेना होगा, तो यहाँ पे 156 आ जाएगा 6 का टेबल में। तो 6 2 12 2 1 3, और ये तो कट जाएगा, तो आंसर देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 16 आ गया। अब 441 का देखना है, इधर से पेयर करना है, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 2 ना 4, कट गया 41 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 2 2 ना 4, 41 चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 41 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 256 बटे 441 था, 256 का जो हम लोग को वर्गमूल निकला कितना निकला, 16, और 441 का कितना निकला, 21। तो ये वाला जहाँ पे ऑप्शन देगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 16 बाय 21 हमारा क्या है, बी ऑप्शन में, इसलिए बी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना 3.5 का वर्ग क्या होगा। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल, वर्गमूल ये तो हो गया हमारा क्या, वर्गमूल निकालने का। अब वर्ग बोला निकालने के लिए, 3.5 का वर्ग निकालने, वर्ग का मतलब होता है इसको स्क्वायर कर देना, आई मीन इसको 3.5 × 3.5 दो बार इसको गुना कर देना है, ठीक है। अब ऐसा करो कि यहाँ पे एक पॉइंट और एक पॉइंट, दो मतलब एक अंक के बाद पॉइंट है, फिर इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो अब इसका करो 35 × 35 करो, क्लियर। तो 25 25 35 15 और दो कितना हो गया, 17, 35 15 और 3 3 9 1 10, अब हो गया 5 7 5 12 1 2 12 से कितना आ गया, 25, तो इसको लिख देना 1225। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट था, इधर एक अंक के बाद पॉइंट था, तो एक अंक और एक अंक कितना, दो अंक हो गया, दो अंक के बाद यहाँ पॉइंट दीजिए, तो 1212.25 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं, या तो आप ऐसा करो 3.5 × 3.5, इस पॉइंट को हटाओ 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाओ 10 आएगा, तो 35 गुना क्या करो 35, और 10 गुना 10 कितना होगा, 100, और ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1225 बटे 100, 2 0 है तो दो अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, तो 12.25, जो आपको इजी लगता है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कीजिएगा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 नंबर क्वेश्चन, अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 11 का वर्ग क्या होगा, फिर 11 का पूछा गया, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 11 गुना 11, तो 11 गुना 11 मल्टीप्लाई करोगे, एक से करोगे 11 को 11 होगगा, फिर एक से करोगे 11 को 11 होगगा, फर्स्ट अंक छोड़ दीजिए, 1 2 1, 121, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। फिर 13 का वर्ग पूछा है, 13 का वर्ग कर दो, मतलब 13 गुना 13, तो आपको पता है 13 गुना 13 करेंगे, 13 को 3 से गुना करेंगे 39, 13 को 1 से गुना करेंगे 13, तो 9 6 1 169, तो ए नंबर मेरा 169 हो जाएगा, क्लियर। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन होता है 16 का वर्ग क्या होगा, 16 का वर्ग बोला है, मतलब 16 गुना क्या करना है, 16, तो अब देखिए 16 का वर्ग कैसे करोगे, 16 गुना 16, 6 6 के 36, 6 1 6, और हाथ में 3 था, कितना हो गया 9, अब एक अंक छोड़ दिए तो इसको कट कर दो, तो 6 1 6 1 1, तो 6 9 6 15 1 2, 200 कितना होगा, 56, इसको ले सकते 256, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर, 16 का वर्ग कितना होगा, 256। अब 60 का वर्ग बोला है, तो क्या करो 60 गुना 60 करो, तो कैसे करोगे, 60 गुना 60, 0 को 0 से गुना करो 0, 0 को 6 से गुना करोगे 0, फिर 6 को 0 से गुना करोगे 0, 6 को 6 से गुना करोगे कितना होगा, 36, 0 0 6 3 3 6 0 0 3 6 0 0, मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी,
तो 16 का मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को ध्यान देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, बोलता है 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, मतलब 24 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, आई मीन 24 इंटू क्या करना है, 24 करना है। तो आप ऐसे कर दो, 24 24, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9 और 1 10 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। अब अगर यहाँ पे देखें, 4 चौक कितना होगा, 16, 16 की 6 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8, 8 1 9, फिर 2 दूना 4 दूना 8, एक अंक छोड़ देना क्योंकि इसका काम हो गया, और 2 दूना 4, तो ये क्या होगा, 6 9 8 कितना हो गया, 17 के साथ हाथ में रहा 1 4 1 5, 500 कितना होगा, 76। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब बोलता है एक पाइथागोरस ट्रिक होगा, मतलब पाइथागोरस ट्रिक होने का मतलब क्या होगा, इसमें से जो तीन तीन नंबर दिया है ना, तीन नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए, फिर दोनों नंबर जो दो नंबर है उन दोनों का स्क्वायर का योग कीजिए, अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा। जैसे कि 13 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 169, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, ठीक है। तो 169 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 169 होगा, तो 169 दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर इसमें आप देखिएगा ट्राई करके, तो बड़ा नंबर क्या, 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, छोटा नंबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 16 इक्वल टू 9 4 कितना हो गया, 13। तो दोनों आपस में इक्वल है, तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इसका अगर आप देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर है 8, तो 8 का स्क्वायर करो, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 पर 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 3 1 4 1 5, कितना हो गया आपका, 52, और इधर कितना है, 64, आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ए होगा, क्योंकि ये देख सकते हैं दोनों आपस में इक्वल आ गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 19 नंबर है। फिर इसमें बोलता है सम संख्या का वर्ग सर्वदा क्या होता है, सम संख्या, अगर कोई भी सम संख्या का वर्ग कर लो हमेशा सम संख्या आएगा। जैसे कि सम संख्या होगा, जैसे 2 मेरा सम है, इसका स्क्वायर करो तो 2 गुना 2 कितना होगा, 4, फिर 4 मेरा सम संख्या है तो 4 गुना 4 करो कितना होगा, 16। तो अब जैसे 16 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, कुछ भी ले लो, अगर 6 का स्क्वायर करो, 6 गुना 6 कितना होगा, 36, 36 भी मेरा सम संख्या है और 6 भी मेरा सम संख्या है। तो हमेशा क्या होगा, जब भी कोई सम संख्या का वर्ग कीजिएगा तो हमेशा क्या होगा, सम संख्या ही देगा। अब देखिए 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर में कितनी प्राकृत संख्या होगा, जब हम लोग का इस फॉर्मेट में होगा एन का स्क्वायर और एन प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मेट में। जैसे कि मान लीजिए 53 था ना, तो 53 प्लस 1 54 हुआ ना इसका स्क्वायर, इस फॉर्मेट में रहेगा ना तो ये हो जाएगा 2n, इसका जो प्राकृतिक संख्या होगा तो 2n हो जाएगा, तो 2 हो गया n, हम लोग मान ली पहला वाला 53 था, 53 तो ये दोनों को अगर गुना करोगे कितना होगा, 106। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, 106, याद रखिएगा। जब n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर होगा तो इसका जो प्राकृतिक संख्या होगा इसके बीच में तो 2n होगा, क्लियर। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 21 नंबर है। 21 नंबर आप देख सकते हैं, तो बोलता है रूट अंडर 90000, इतना का हम लोग को बोल रहा है क्या, वर्गमूल निकालें। इसका मतलब ये वाला जो रूट दिया रहता है ना, इसको बोलते हैं वर्गमूल, कहते क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का तो आपको तो पता ही, हम बता दिए ऐसे करके आप निकालिएगा, पेयर करते जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 3 से करेंगे, 3 दिया क्या होगा, 9 कट गया तो 3 बार में। उसके बाद यहाँ 10, 20 है उसके लिए 10 लिखो, 20 है 10 लिखो, तो यहाँ पे कितना होगा, 300, तो 300 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। फिर 676, फिर यहाँ पे वर्गमूल पूछ रहा है 676 क्या होगा, तो 676 का वर्गमूल निकालिए ऐसे करके, पेयर करना है यहाँ पे 3 6 आया तो 2 बार में कटाएंगे, 2 दूना कितना होगा, 4, 6 में 4 जाएगा कितना, 2, 276 आ गया, ये दोनों को ऐड करोगे 4 होगा। अब क्या करो, यहाँ पे 6 चाहिए तो यहाँ पे 6 कर दूं, तो 6 के कितना होगा, 36, 24 27, ये कट गया कितनी बार में आया, 26 बार में। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा 26। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था जितना भी था इसमें हम लोग बात कर लिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और जो न्यू जो अगर क्या कीजिए अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और इससे रिलेटेड हम आपको बताएं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। और जो न्यू है स्टूडेंट वो क्या कीजिए इस चैनल को दबा दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा मतलब घंटी टाइप का, उनको भी दबा दे ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। क्लियर। और किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप हमें सेंड कर सकते हैं पिक्चर वगैरह, जो भी आपको जो भी क्वेश्चन है फोटो क्लिक करके फेसबुक, इंस्टा या तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हर एक जगह जहाँ पे आपको लगता है उचित लगता है कि हम इजी लगता है वहाँ पे आप हमें क्या कीजिए सेंड कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप हमको सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले पार्ट्स में। तब तक आप क्या कीजिए इस जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।